हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मेरे पास पनीर पड़ा हुआ था और दो तीन शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चिली पनीर ही बनाया जाए और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मैंने यह पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और सबसे पहले मैं पनीर को मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए। इसके लिए मैंने मैरिनेट करने के लिए मैंने सबसे पहले लहसुन और अदरक को कूट लिया है और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च को उसके ऊपर डाल दिया है। फिर उस कूटे हुए लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसमें नमक हल्का सा ऐड करूंगी और उसके बाद काली मिर्च डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे पनीर में आ जाएगा। और ये देखिए, इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी क्योंकि हाथों के बिना तो काम होता ही नहीं है। और उसके बाद मैं इसमें एक बेसन का यूज़ करूंगी क्योंकि मैं मैदा नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसमें एक टेबल स्पून बेसन लिया है और एक टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर अदरक को खूब महीन महीन काट लिया है और हरी मिर्च को भी खूब महीन महीन काट लिया हो और लहसुन को भी खूब महीन महीन काट लिया है क्योंकि मेरे यहाँ मैदा सब अवॉइड करते हैं, इसलिए मैं मैदे का यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन गाइस, आप लोग यकीन मानिए टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा बेसन एक चम्मच उसमें ऐड करिए के। और उससे मैंने यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा हरा प्याज पड़ा हुआ था तो मैंने उसके वाइट पोर्शन को कट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे प्याज लिया और शिमला मिर्च को मोटे मोटे क्यूब्स पे काट लिया है। जैसे हमने पनीर काटे थे ना, वैसे ही हमने प्याज को भी काट लिया है और शिमला मिर्च को भी। ये देखिए, मेरे पास दो शिमला मिर्च पड़े थे तो मैंने दोनों का यूज़ कर लिया है और ये देखिए अच्छे से काट लिया है। अगर आपके पास लाल और पीली शिमला मिर्च है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने सिर्फ़ ग्रीन शिमला मिर्च का यूज़ किया है। और प्याज अगर आप लोग ज़्यादा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी। मेरे पास पड़ा था इसलिए मैंने उसको काट लिया। और ये देखिए, प्याज को भी मैं काट लूँगी और यहाँ पर इसके एक एक टुकड़े अलग अलग कर दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे प्याजों में जो है वो अच्छे से उसमें सब मसाला हर में लिपट जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये सब निकल जा रहे हैं। और गाइस, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर दिया है और जब तेल पूरा गरम हो गया है तो मैंने पनीर के टुकड़ों को अच्छे से उसमें डीप फ्राई कर लिया है। ये देखिए, बेसन डालने से कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मैदा तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मेरे घर में अनहेल्दी चीज़ें बहुत कम ही खाई जाती हैं तो मैं यही यूज़ करती हूँ। आप लोगों को अगर ना बेसन सही लगे तो आप लोग मैदा यूज़ कर लीजिएगा, पर प्लीज़ गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे मेरे सारे पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मैंने इन्हें खूब अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इसमें क्रंचीनेस है, बहुत अच्छी क्रंचीनेस है। और ये देखिए मेरे फ्राई करे हुए पनीर। फिर मैंने यहाँ पर सॉस को बना लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें रेड चिली सॉस लिया है, फिर टमाटो सॉस थोड़ा सा लिया है और हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस ले लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दो चम्मच बड़े डार्क सोया सॉस लूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहीं पे मैं कॉर्नस्टार्च भी उसी सॉस में मिला दूँगी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट घोल बना लूँगी। और इसमें मुझे थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने पानी भी इसमें ऐड कर लिया है और इसकी क्वांटिटी, इसका मतलब जो इसकी क्वांटिटी मुझे ऐसी ही रखनी है, ना बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, बहुत थोड़ा सा, एक टेबल स्पून के आसपास। और फिर जब वो हमारा एकदम हाई तेज़ हो गया, हाई फ्लेम में मुझे ये सब्ज़ी बनानी है और खूब तेज़ से गर्म हो गया, तो मैं इसमें महीन कटे लहसुन प्याज और अदरक को डाल दूंगी। अब चिली पनीर है तो मैंने इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ किया है और लाल मिर्च का भी यूज़ किया और कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ किया है, तो सारी मिर्चों का यूज़ है तो और काली मिर्च का भी यूज़ किया है। तो प्लीज़ गाइस, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो बनता ही है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैंने इसमें सॉस को डाल दिया है और सॉस को मैं यहाँ पर थोड़ा सा पका लूँगी और उसके बाद मैं इसे
थोड़ा सा पका लूँगी, इससे क्या होगा कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इधर फिर मैं शिमला मिर्च और प्याज को ऐड करूँगी और इसे भी थोड़ा सा भूनूंगी, लेकिन इसे मुझे तब तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है कि इसका क्रंचीनेस चला जाएगा, क्योंकि सब्जियों का अगर क्रंचीनेस चला गया ना तो वो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। और ये देखिए मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ, इससे क्या होगा सारे मसाले उसी में लिपट जाएंगे और खूब अच्छे से ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे तो मन में कर रहा है जल्दी से बने और मैं खाऊं। फिर इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, लेकिन ये याद रखिएगा सॉसेस में भी सब नमक होता है सब में, तो हिसाब से ही आप अपना नमक ऐड करिएगा। उसके बाद सब्जियों में मुझे थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे हल्का सा लिपटा हुआ चाहिए वो मसाला, तो मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और उसके बाद ये देखिए वही जो सॉस का वो था धुल के, मैंने वही डाल दिया है पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 चम्मच मुझे पानी ऐड किया है मैंने इसमें। और ये देखिए फिर वो पानी पक जाएगा, उसी के साथ क्या है हल्का सा हमारी सब्जियाँ बहुत हल्की सी है वो पक जाएंगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर, मज़ा आ जाएगा खाने में। ये देखिए कितना अच्छा है, मैंने इस पानी को अच्छे से पका लिया है कि वो कच्चा ना रहे, बॉयल देखिए आ रहा है। और ये देखिए मेरा पनीर गया इसके अंदर और ये रही सब्जी, कितना मज़ा आ रहा है इसे देखने में और खाने में। गाइस आप इसे रोटी पराठा पूड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और सच बताऊँ मुझे तो वो ऐसे ही स्नैक में खाने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चिली पनीर किसके साथ खाने में मज़ा आता है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। और प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइबर से। फिर मैंने जो हरा प्याज की पतली ग्रीन वाला हिस्सा था उसको डालकर ऐड कर लिया है और उसे भी, और ये मेरी डिलीशियस चिली पनीर तैयार है खाने के लिए। तो आप सब प्लीज़ इसे देखिए, पसंद करिए, जो कमी हो वो बताइएगा। मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस भी रहती हूँ आप लोगों के लिए, देखिए मैं इस तरीके की लाती हूँ, बहुत कम तेल में सब सब्जियाँ बनाती हूँ और मैदे की जगह बेसन का है। आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये देखिए मैंने इसमें हल्की सी कुटी हुई काली मिर्च मिला दी, इससे जो इसके टेस्ट को और चार चांद करेगी, मज़ा आ जाएगा खाने में। सच में गाइस मुझसे तो बिल्कुल भी वो नहीं, सब्र नहीं हो रहा है कि अब मुझे लग रहा है मैं इसे जल्दी से खा लूँ। तो ये लीजिए मेरी डिलीशियस चिली पनीर बनकर तैयार है। प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये कैसी